ने कल शाम को यहाँ पर फाइल रखी थी, कहाँ चली गई? लोग क्यों मेरी चीजें कौन छेड़ता है मुझे समझ नहीं आता। अरे ऋषभ जी जरा नीचे उतरिए। क्या हुआ? अरे आपके बैक पर स्प्रे ना आ जाएगा, आप गिर सकते हैं। किस तरह से खड़े हुए हैं आप? नीचे उतरिए उतरिए, मैं ढूंढ देती हूँ क्या ढूंढ रहे हैं। एक मैं आई 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 क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देती हूँ। आपके भी तो पीठ में स्प्रे ना सकता है ना? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह इंपेशन नहीं हूँ। इंपेशेंस से नहीं देखूंगी, आराम से देखूंगी। आराम से बताइए कौन सी फाइल निकालनी है? वो ग्रे कलर की शाइनिंग ब्रांच की फाइल। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच प्रीता जी, कैसे मिल गई आपको? मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि आपका ध्यान फाइल ढूंढने से ज्यादा इस बात पे था कि फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा। मीटिंग कैंसिल हो सकती है, इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऋषभ जी अगर आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो काम कैसे बनेगा? एक्चुअली कितनी अच्छी बात बताई ना आपने कि हम लोग काम पर फोकस करने के बजाय कि काम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। I'll try to follow your words. सब क्या करके रखा? I'm so sorry. वो Give it to me. I'll keep it back. प्रीता के मामले में भी तो मैं यही कर रहा हूँ। मुझे इससे जो कहना है वो तो कह नहीं रहा हूँ, उल्टा ये सोचकर पीछे हट रहा हूँ कि मेरी बात का अंजाम क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा। नहीं ऋषभ नहीं, दैट्स नॉट द वे। ऐसे डर कर काम नहीं चलेगा। चलिए आपकी फाइल मिल गई, I'll also go. प्रीता जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताइए तो सही। आप प्रीता पुत्र तो यही है जी। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। ये ले पुत्र मुंह मीठा कर। इतनी मिठी खुशखबरी सुनी है मैंने कि क्या बताऊं जी। वैसे एक बात बता, तू ये खुशखबरी हमें कब सुनाती? शादी हो जाने के बाद। किसकी शादी? ये तू भी मुंह मीठा कर ले। शादी किसकी? तू लड्डू तो खा पुत्र। क्या बात है, बड़े लड्डू शड्डू खिलाए जा रहे। ये ले पुत्र तू भी मुंह मीठा कर ले। किस किसी में? भाई प्रीता की शादी फिक्स हो गई है और कल उसका रोका है। क्या हो गया पुत्र, तू ठीक तो है? ये पानी 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 प्लीज। आई एम फाइन। सल्ला जी ने खुद मुझे फोन करके ये गुड न्यूज बताई थी और कहा कि पूरे परिवार को साथ में ले आना। प्रीता जी आप शादी क्यों कर रही हैं जी? क्यों भाई, प्रीता शादी नहीं कर सकती? इतनी अचानक से आप? हाँ मतलब अचानक क्यों, मतलब किस लिए? परसों तक तो कोई रिश्ता नहीं था, रिश्ता है तो रोका शुरू हो गया, रोका हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। यार शादी के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हें लाइफ में, शादी कर लो। अरे भाई तुम दोनों बेटे लोग इस बिचारी को ऐसे डांट क्यों रहे हो? बिचारी शादी तो कर रही है और क्या कर रही है, लड़की जवान हो गई है तो सेटल तो होना ही है ना लाइफ में, है जी? ओ वाह, प्रीता की शादी हो रही है, फैंटास्टिक, इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। चलो शर्लिंग के रास्ते का कांटा अब हट गया। मैं नहीं आऊंगा। अरे क्यों नहीं आओगे? तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मेरा प्रैक्टिस मैच है, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आ जाना। जी नहीं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरा मैच पुणे में, मैं वहां से स्पेशली रोके के लिए नहीं आऊंगा। ओके आई विल कंफर्म यू लेटर, जो भी है पुणे के लिए। पुत्र मैं ये कह रही थी कि मम्मी जी तुझे कमरे में बुला रही है, जरा देख लेना उनका कुछ काम। मैं उन्हीं के पास जा रही थी। वो चलिए मैं चलती हूँ। शोले, oh my God, आंटी लिसन, I'm really sorry कल के लिए। That's okay. अरे ये कल वल की बातें सब भूल जाओ, रात कई बात की। मैं तो तुम्हें एक अमेजिंग न्यूज देने वाली हूँ, इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज। वाओ, अगर आप इतनी एक्साइटेड हैं तो आई एम श्योर कोई खास बात होगी, बताइए। प्रीता नामक मुसीबत तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर जाने वाली है। हाँ Confused? अरे stupid girl, प्रीता की शादी तय होगी और कल उसका रोका है। Can you believe it? पहले हमारे निशाने पे बस वो ऋषभ था, अब वो प्रीता भी हमारा शिकार बन गई है और इसमें गलती उसकी ही है, उसने मुसीबत को खुद दावत दी है। मेरी खुशियां तुम्हारे अरमान सब मिटाने की जरूरत की है उस लड़की ने, और इसलिए
उसे सजा तो मिलेगी, अब प्रीता की बर्बादी का दौर शुरू होगा और वो भी कल से। मतलब उसने मेरी बात मान ली? हाँ, किसने? भगवान ने। मैंने भगवान से प्रे किया था कि प्लीज ऋषभ जी और प्रीता को दूर कर दो, और उन्होंने तुम्हारी बात सुनी और मान भी ली। Fantastic. अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। I'm so happy. ये करीना आंटी जो खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझती है, इनको कितनी आसानी से मैं बेवकूफ बना लेती हूँ। इनको तो पता भी नहीं है कि ये मेरे इशारों पे नाच रही है। आज खुश हो लो करीना बुआ, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि कल तुम्हारी किस्मत में मैं क्या लिखने वाली हूँ। उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहूंगी। फिलहाल तुम्हारी शादी, ओह सॉरी, आई मीन बर्बादी तुम्हें मुबारक हो पिता।